चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग रॉर गेमिंग जी, विकास जी। तो आज की हमारी क्लास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 टेस्ट योर नॉलेज पेज नंबर 7.217, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। गुड इवनिंग हेमंदर जी, आकांक्षा जी। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो लिया था जिसके अंदर में हमने सेल एंड लीज बैक कवर किया था। एक वीडियो के अंदर में हम लोगों ने लेसर मॉडिफिकेशन का, यानी उसमें दो क्वेश्चन कवर हुए थे। एक लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन था और एक सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, पर दो क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो डाला था लीज मॉडिफिकेशन का, जिसमें मॉडिफिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए थे। और एक वीडियो इंडियाज 116 का था, जिसके अंदर में हमने जो कोविड अमेंडमेंट है वो कवर किया था। कोविड से अमेंडमेंट का क्या इम्पैक्ट रहेगा वो कवर किया था। तो ऐसे ओवरऑल तीन वीडियोस हमारे अब तक के हो चुके हैं। ये चौथा वीडियो है जिसमें हम टेस्ट योर नॉलेज के पूरे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। गुड इवनिंग आकांक्षा जी, चरण जी, राधे राधे, धवल जी, गुड इवनिंग गौरी जी, मनमोहन जी, विकास जी। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 2.7.217 एंड नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये जो इनिशियल क्वेश्चन है ना, ये पूरे के पूरे आइडेंटिफाइंग द लीज के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पिछले दो अटेम्प्ट से अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ये अटेम्प्ट में दो ऑप्शंस है। या तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा इस बार लीज में से, आइडेंटिफाई कीजिए लीज है या नहीं है, या फिर दूसरे तरीके से अगर पूछो तो क्वेश्चन में लीज मॉडिफिकेशन आना चाहिए क्योंकि उसमें कोविड इम्पैक्ट का अमेंडमेंट है। इसके अलावा और कुछ लगता नहीं जो कमिंग अटेम्प्ट में आएगा। तो चलिए देखते हैं। अ लेसी एंटर्स इन अ 10-ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद लेसर, लेसर है फ्रेट कैरियर टू ट्रांसपोर्ट अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो गुड्स ट्रांसफर के लिए ये लेसर यूजेस रेल वैगन्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन एंड हैज लार्ज पूल ऑफ सिमिलर रेल वैगन्स डैट कैन बी यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका काम क्या है, आपके पास रेल वैगन्स है और ऐसे बहुत सारे रेल वैगन्स हैं। आपने एक जन को एक रेल वैगन यूज करने के लिए दिया है और ऐसे आपके पास बहुत सारे रेल वैगन्स हैं। रेल वैगन्स इंजन्स आर स्टोर्ड इन लेसर्स प्रेमाइस, ये रखे भी लेसर के प्रेमाइस पे जाते हैं व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए ये जब भी यूज नहीं किए जा रहे तो लेसर के प्रेमाइस में पड़े होते हैं। तो क्या ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है या ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है? इतना पढ़ के क्या समझ में आता है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट है या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है? 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वैगन दे रहा है सामने वाला, ऐसे बहुत सारे वैगन्स है लेसर के पास। जो वैगन सामने वाले ने दिया, ऐसे बहुत सारे वैगन्स है उसके पास। ये वैगन अगर यूज नहीं हो रहे हैं तो लेसर के प्रेमाइस में पड़े रहेंगे, ठीक है। सिमिलर वैगन्स बहुत सारे हैं ऐसा कहना था। और कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत ही कम रहेगी, सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो कॉस्ट रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी। तो इसमें लीज एग्रीमेंट है या नहीं है, क्या लगता है आप लोगों को? गुड इवनिंग मयंक जी, वैष्णवी जी, शुभम जी, ए जी, गौरी जी का कहना है लीज है, रिदम जी का कहना है लीज है। ओके, इस एक क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। एक, अगर आप किसी को कोई एसेट लीज पे दे रहे हैं और अगर आपके पास रिप्लेसमेंट राइट है तो वो इंड एस 116 में कवर नहीं होता, ठीक है। पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कशन करना वर्थ रहेगा। मैंने ओला से कार मंगाई और मैंने ओला वाले को बोला भैया रोज मेरे को ना मर्सिडीज ही चाहिए, एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ मर्सिडीज है उसी की कार रोज आनी चाहिए। तो ओला के पास सपोज कीजिए वैसी 10 मर्सिडीज है तो ओला वो 10 में से कोई भी बेच सकता है मुझे। अब मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है मर्सिडीज देने का, वो मुझे कोई भी मर्सिडीज दे सकता है, मतलब ही हैज रिप्लेसमेंट राइट्स। अगर उसके पास रिप्लेसमेंट राइट्स है तो ये लीज नहीं है, वो सर्विस दे रहा है। वहीं अगर रिप्लेसमेंट राइट नहीं होता तो फिर ये लीज बन जाता। पहला रिप्लेसमेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसके पास ऐसे बहुत सारे वैगन्स है और दूसरा सब्स्टिट्यूट करने का कॉस्ट भी बहुत मिनिमल है। दो बातें बताई गई है। अब अगर इन दोनों में से मैं एक भी बात को अल्टर कर दूं तो ये लीज हो जाएगा। कौन सा? पहला, उसके पास अगर एक ही वैगन है, जैसे ओला कंपनी के पास एक ही मर्सिडीज है, तो फिर ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उसके पास ऑल्टरनेट अवेलेबल ही नहीं है, तब ये लीज में आ जाएगा, तब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। मतलब रिप्लेसमेंट राइट होना भी चाहिए एंड रिप्लेसमेंट अवेलेबल भी होना चाहिए। रिप्लेसमेंट राइट है पर रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर ये लीज है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? डायग्राम से चलिए, क्या आप रिप्लेस कर सकते हैं तो फिर ये लीज, वैसे तो डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए मैंने, नॉट लीज, बाद में देखेंगे। अगर आप रिप्लेस नहीं कर सकते तो फिर ये लीज है। आप रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट अवेलेबल है
ठीक है, अगर रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर ये लीज है, अगर रिप्लेसमेंट अवेलेबल है तो देखिए कि सब्स्टिट्यूशन का कॉस्ट क्या है। सब्स्टिट्यूशन का कॉस्ट अगर मेजर है यानी अच्छा खासा कॉस्ट लगेगा तो फिर ये लीज है, अगर सब्स्टिट्यूशन का कॉस्ट मिनिमल है तो फिर ये लीज नहीं है, तो फिर ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इतना पूरा होने के बाद में भी मतलब वो रिप्लेस करेगा नहीं, सपोज वो ऐसा कोई केस तो आएगा नहीं, एक और एक केस, चलो रिप्लेस करेगा नहीं उसकी बात नहीं करते, कस्टमर की बात करते कि इस प्रोडक्ट से पूरा बेनिफिट किसको हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि रिप्लेस आप नहीं कर सकते अब, या आपके पास ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, आपके एक ही एसेट है, एक एसेट है वो आपने सामने वाले को लीज के ऊपर दे के रखा है। अब अगर उस लीज में कोई और कस्टमर भी उस एसेट से बेनिफिट हो सकता है, अच्छा खासा, मिनिमम नहीं, अच्छा मटेरियल बेनिफिट किसी और कस्टमर को भी हो सकता है, तो भी ये लीज नहीं। मतलब क्या हो गया कि अपन ने एसेट किसी को लीज पे दिया, जैसे कि मर्सिडीज की मैंने बात किया था ओला से, उसके पास एक ही मर्सिडीज है, उसने मेरे को दे दिया। अब मैं तो सुबह यूज करता हूं, बाकी पूरे दिन ओला ये मर्सिडीज किसी और को दे सकता है, तो फिर ये लीज नहीं है, तो फिर ये लीज नहीं है। मतलब इफ एनी अदर कस्टमर कैन बी बेनिफिटेड तो फिर भी ये लीज नहीं होता। टोटल इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना। हाँ, तो फिर ये 115 में जाएगा, सब लोगों को क्लियर है? तो ये डायग्राम बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपन जितने तरीकों से ऑल्टर कर सकते हैं उतने तरीके से ऑल्टर करेंगे। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अभी फिलहाल क्या दिया हुआ है आपको, फिलहाल ये लीज नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे वैगन्स हैं, बहुत सारे वैगन्स हैं, वो कभी भी इन वैगन्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है जब उसको सब्स्टिट्यूट करना है तब, और सब्स्टिट्यूट करने का कॉस्ट भी बहुत मिनिमम है, तो फिलहाल ये लीज नहीं है। अब यहां पे बताओ, यहां पे अगर लिखा हैज नो पूल, यानी इसके अलावा और कोई वैगन है ही नहीं, तो ये लीज है या नहीं है? हैज नो पूल, अब बताइए, अब फटाफट आंसर कीजिए। एक ही वैगन है, रिप्लेस करने का कॉस्ट बहुत मिनिमल है, स्टोर किया जाता है लेसर के प्रिमाइस पे, बाकी पूरी कहानी सेम है, बस उसके पास ऐसा एक ही वैगन है और कोई वैगन है ही नहीं, स्पेशली कस्टमर के लिए बनाया गया वैगन है। अब बताइए अब क्या होगा। गुड इवनिंग सर, हैव कम अक्रॉस योर चैनल 2-3 डेज एगो एंड सॉ ऑलमोस्ट ऑल लेक्चर्स ऑफ आरटीपी एमटीपी, वेरी यूजफुल। विद्या जी, आपने 2-3 दिन में पूरे 33 वीडियोज देख लिए, बाप रे, ऑलमोस्ट भी मतलब अच्छे खासे वीडियोज देख लिए आपने, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। हाँ, तब लीज हो जाएगा। आकांक्षा जी का, रिदम जी का, चरण जी, किरण जी, वेरी गुड वेरी गुड, तब लीज हो जाएगा। चलो, लार्ज पूल रहने देते हैं, लार्ज पूल रहने देते हैं, कॉस्ट एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन इज हाई कर देते हैं, तो लीज है या नहीं है? कॉस्ट रिलेटेड विद सब्स्टिट्यूशन अगर हाई है तो फिर लीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। चलिए, मयंक जी का कहना है, सर अगर लेसर के पास सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट होता है तो उसे हम आइडेंटिफाइड एसेट नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं होता मयंक जी, मटेरियलिटी देखना पड़ेगा, ठीक है, मटेरियलिटी देखना पड़ेगा। बेसिकली मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स है, सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स है, और फिर भी आप सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते, फिर भी आप सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते, तो ये लीज है, ठीक है। जैसे अभी है, आपके पास सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स है, पर अभी मैंने आपको लिख दिया कि सब्स्टिट्यूट करने का कॉस्ट हाई है, तो आप रिप्लेस करेंगे क्या? तो आंसर यहाँ पे नो हो जाता है, समझ में आ रहा है, आंसर यहाँ पे नो हो जाता है। तो ऐसे केस में आप उसको क्या बोलेंगे, ऐसे में आप उसको मतलब लीज बोलेंगे। अभी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। धवल जी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था उनका, मतलब मैं एक सीरियस नोट पे बोल रहा था, मैं सभी लोगों को इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि आप लोग सुबह से रात तक के अगर वीडियोस देखेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे आप लोग, पूरा पूरा दिन वीडियो मत देखा कीजिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहां तक के समझ गया। अब ये वाला वर्ड भी हटा देता हूं मैं, यहां पे लिखते हैं ये लेसी के प्रिमाइस में स्टोर किया जाता है, जब भी ये यूज नहीं होता तब ये लेसी के प्रिमाइस में स्टोर किया जाता है। अब क्या लगता है लीज है या नहीं है, सोच समझ के बताइएगा। अगर ये यूज नहीं हो रहा है तो लेसी के प्रिमाइस में स्टोर किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट इज वेरी मिनिमम, अब ये लीज है या नहीं है बताइए। अब बताइए, चलिए सभी लोग, गुड इवनिंग मोहित जी, मैं
जी का कहना है अभी भी लीज है, नॉट अ लीज, लीज नॉट अ लीज, सो वी हैव मिक्स आंसर्स हो गए। मेरे हिसाब से भी नॉट अ लीज होना चाहिए, क्यों? सब्स्टिट्यूशन राइट है, लार्ज पूल अवेलेबल भी है और सब्स्टिट्यूट करने का कॉस्ट भी मिनिमम है। अब यूज नहीं होता तो लेसी के प्रिमाइस में पड़ा रहता है, ये कंडीशन तो कहीं नहीं दी है ना, ये कंडीशन कहीं नहीं दी है, तो मेरे हिसाब से नॉट अ लीज है, मेरे हिसाब से नॉट अ लीज, यानी इस पॉइंट के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा कि लीज है, ठीक है। चलो चलो बढ़िया। हाँ विकास जी, कहाँ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है? जस्ट बिकॉज लेसी के प्रिमाइस में पड़ा है इसलिए स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है क्या? थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है, ठीक है। नहीं मुझे नहीं लगता कि लीज है, फिर भी अगर आप लोगों के दिमाग में कोई पॉइंट है तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैं रेडी हूँ, ट्राई करते हैं, हो सकता है आपका आंसर सही हो, ठीक है, पर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं है यहाँ पे। चलिए चलिए मूविंग एट क्वेश्चन नंबर टू। कस्टमर एम एंटर्स इन टू अ 20 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी एनर्जी सप्लायर एस टू इंस्टॉल ऑपरेट मेंटेन सोलर प्लांट। तो आपने क्या किया, आपने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में क्या आप इंस्टॉल भी करोगे, आप ऑपरेट भी करोगे, आप मेंटेन भी करोगे, बिल्ट ऑपरेट वाला कॉन्ट्रैक्ट है आपका। एम डिजाइन द सोलार प्लांट बिकॉज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड। एम हायर्ड एक्सपर्ट्स इन सोलार एनर्जी टू असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन। अब देखो क्या हो रहा है, एम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सप्लायर एस है यानी एस लेसर है, ठीक है, और एम लेसी है। अब हुआ क्या कि एम को सपोज कीजिए कि सोलार इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी पर उसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं होगा, तो उसने आपको बोला भाई तुम इंस्टॉल कर दो प्लांट और मेरे को इलेक्ट्रिसिटी दो, आपको लगा अच्छी कमाई हो रही है, दिक्कत नहीं है, तो आपने उसकी गाइडेंस के हिसाब से पूरा का पूरा यानी उसी ने आपको असिस्ट किया कि कैसा बनाना है, क्या बनाना है, इंजीनियरिंग वगैरह हर चीज के लिए उसने असिस्ट किया। अब उसके अलावा आपने उसे एक्सक्लूसिव राइट दिया है कि वहां जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी पूरी की पूरी वही खरीदेगा, ये एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट भी है। लीज है या नहीं है बताइए, लीज है या नहीं है? धवल जी का कहना है आंसर कैसे लिखें? धवल जी आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ऐसा चार्ट मत बनाना, सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सामने वाले का रिप्लेसमेंट राइट है क्या, रिप्लेसमेंट अवेलेबल है क्या, सब्स्टिट्यूशन का कॉस्ट क्या है और कोई और कस्टमर भी बेनिफिट हो सकता है क्या, बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन हेंस नॉट लीज। तो वो चार पॉइंट्स कवर करने पड़ते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलो बस आंसर वैसे लिखना है। अब यहाँ पे लीज है क्या, तो आप में से सभी लोगों का अभी तक तो यही कहना है कि लीज है। मनमोहन जी का कहना है लीज है, चरण जी का कहना है लीज है, आकांक्षा जी का कहना है लीज है। वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक लाइन यहां से हटा देता हूं कि एम डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव राइट टू रिसीव द ऑब्लिगेशन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। उसके पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, उसके पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी वो खरीद रहा है। मतलब अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मेरे को और ऑल्टर करना पड़ेगा। हाँ पूरा क्वेश्चन सुन लो फिर आंसर करना, एकदम से आंसर मत लिख देना। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी किसी और को बेच सकता है एंड 30% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वो बेच भी रहा है। एम के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, एस किसी और को भी इलेक्ट्रिसिटी बेच सकता है और 30% इलेक्ट्रिसिटी वो किसी और को बेच भी रहा है, 30% इलेक्ट्रिसिटी वो किसी और को बेच भी रहा है। अब बताओ लीज है या नहीं है? मनमोहन जी का कहना है नॉट ए लीज, टेक एफ आर न्यू कोर्स फॉर नवंबर 21। निकिता जी, एफ आर न्यू कोर्स जो आप बोल रहे हैं नवंबर 21 स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग नवंबर 21 के लिए, एक बार एग्जाम हो जाती है यू विल हैव टू वेट टिल मे, मे के बाद में मैं जो प्रॉपर नवंबर 21 स्टूडेंट्स है ये सभी लोगों को बता देता हूँ, आपके भी कोई पहचान के होंगे तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि मैं दो बैचेस लूँगा यूट्यूब पे, एक जैसा हम लोग ये क्वेश्चन सीरीज लेते हैं ये क्वेश्चन सीरीज लूँगा और उसके अलावा एक पेड बैच होगी, मतलब वो प्राइवेट वीडियोज़ रहेंगे, इट विल नॉट बी अवेलेबल टू एवरी वन, वो पेड बैच रहेगी पर वो पेड बैच की फीस भी बहुत कम रखूंगा मैं, अराउंड आप पकड़ के चलिए मैक्सिमम 2000 रुपीज़ रहेगी। सो इट विल बी अराउंड 1.5 मंथ टू 2 मंथ फास्ट ट्रैक बैच, 3 घंटे हर रोज इस तरह की बैच रहेगी, वो पेड बैच रहेगी पर वो मे एग्जाम एक बार हो जाता है उसके बाद, तब तक के मैं सिर्फ मे 21 स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाते रहूँगा। चलिए तो सभी लोगों का कहना है कि सर ये लीज नहीं है, बढ़िया। रिदम जी का कहना है लीज है, विशाल जी का कहना है लीज है, नहीं अब लीज नहीं है। क्यों लीज नहीं है इसको समझिए, एक तो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं है, दूसरा कोई और कस्टमर भी बेनिफिट हो रहा है, 30% किसी और को बेचा, मैंने बोला ना किसी और कस्टमर को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे पहली लाइन, सर उसने असिस्ट किया, अरे तो कौन सा बड़ा काम किया, सिर्फ असिस्ट ही तो किया ना, हाँ मैंने उसके हिसाब से बना दिया पावर प्लांट पर मैं तो किसी और को भी बेच सकता हूँ, मैटर ये नहीं करता कि उसने मुझे असिस्ट किया, मैटर ये करता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका अपन क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल है, रिप्लेसमेंट नहीं अवेलेबल है ना, एक ही प्लांट बनाया मैंने, ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, मे बी हाँ रिप्लेस कर सकता हूँ पर मेरे पास रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, तो लीज तो है पर मैंने क्या कहा था, एक और एक कंडीशन देखना है, क्या मैं किसी और कस्टमर को बेच सकता हूँ,
तो यहां पे मैंने आपको कहा 30% में किसी और को बेच सकता हूं, ठीक है। नहीं निकिता जी, अन अकेडमी पे नहीं होगा, अन अकेडमी मैंने दिसंबर में छोड़ दिया था, ठीक है। धन्यवाद मयंक जी। तो आई होप अभी आप लोगों को यहां तक के समझ में आया होगा, भाई किसी और कस्टमर को भी बेच सकता हूं अगर मटेरियल कंपोनेंट, मटेरियल कंपोनेंट तो लीज नहीं होता, तो लीज नहीं होता। अब उसी 30% को अगर मैं 10% कर दूं, उसी 30% को अगर मैं 10% कर दूं, अब इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मटेरियल मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूं तो मटेरियल का मतलब क्या है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, तो मैं ऐसा बता नहीं सकता आप लोगों को। पर उसी 30% को 10% कर दूं तो मैं बोल सकता हूं हाँ कस्टमर बेनिफिट हो रहे हैं, पर क्या बेनिफिट हो रहे हैं, 10% से क्या होता है। अरे 10% होता कितना है, किसी और कस्टमर को बेनिफिट मिल भी गया, 90% बेनिफिट तो अभी भी हमको ही हो रहा है, तो 10% को मैं इमटेरियल मान लेता हूँ। तो मटेरियलिटी पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से पहले डिसाइड करोगे कि मटेरियलिटी कितना परसेंट है, ठीक है। मैंने बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा, तो मैं बोलता हूँ 10% मिनिमल है, ऐसे में लीज हो जाएगा। अब भले एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं है पर मैं दूसरे कस्टमर को बेनिफिट बहुत मिनिमम दे रहा हूं, तो अब ये लीज हो जाएगा। चलिए बताइए यहां तक के मैंने जो भी बोला है क्लियर है क्या। सर बेनिफिट गिवन टू अदर्स इज नॉट सब्सटैंशियल। देखिए विशाल जी, आप जो सब्सटैंशियल बोल रहे हैं ना, पहले सब्सटैंशियल का मतलब समझिए। आप सब लोग सब्सटैंशियल का डेफिनेशन में बहुत गड़बड़ करते हैं। सब्सटैंशियल को मटेरियल माना कीजिए। सब्सटैंशियल मतलब देखो, एम को 70 दे रहा हूं, दूसरे कस्टमर को 30, इसीलिए वो नॉट सब्सटैंशियल है, ऐसा नहीं होता। आप मोर देन 50% क्यों देखते हो, ऐसा कहां लिखा है कि मोर देन 50% किसी को दे रहा हूं तो सब्सटैंशियल होता है। अगर मैं किसी को एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर दे रहा हूँ, यानी मटेरियल बेनिफिट दे रहा हूँ, तो सब्सटैंशियल होता है। मैं तो बोलता हूँ एनीथिंग अबाउट 10% इज सब्सटैंशियल, पर ये मेरा कॉल है, आप अलग कॉल रख सकते हैं। ऐसा कहीं दिया नहीं है, डिफाइन नहीं है कि सब्सटैंशियल क्या होता है। सब्सटैंशियल कैन बी एनीथिंग अबाउट 10%, किसी और को 30% दे रहा हूँ तो क्या सब्सटैंशियल नहीं है, सब्सटैंशियल है वो भी, ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ भाई, और क्या क्या बोला हुआ है। 10% है तो लीज होगा, इज ए लीज इजेंट अ सब्सटैंशियल परसेंटेज, वेरी गुड। हाउ टू आइडेंटिफाई मेजर कंपोनेंट मटेरियलिटी, विकास जी कोई डेफिनेशन नहीं, अभी वही बताया मैंने। इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, गाइज डोंट गो फॉर मेगनी वाली महंगी वाली। ओके ओके, धन्यवाद मनमोहन जी। सर आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए आपको कहाँ फॉलो करूँ, जहाँ फॉलो करना है वहाँ फॉलो कीजिए। निकिता जी मैं टेलीग्राम में हूँ, मैं यूट्यूब पे भी लाइव आता हूँ, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप 8600364185 पे। अच्छा एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, ठीक है। थोड़ी सी अजीब रिक्वेस्ट है, आप सब लोग तो मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, पिछले कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस देखने शुरू किए हैं। मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बना के रखी है May 21 रिवीजन की भी, और ICI मॉड्यूल, दो हमारी मेन रिवीजन मॉड्यूल है जो हम पिछले 2 महीने से ले रहे हैं। अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स अब डाउट पूछते हैं जो हम लोगों ने इन वीडियोज़ में कवर किए हैं। तो स्टूडेंट जब कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रिलेटेड डाउट पूछता है तो मैं उस स्टैंडर्ड का वीडियो भेज देता हूँ वो, और बोल देता हूँ इसमें देख लीजिए। तो स्टूडेंट जनरली बोलता है नहीं सर बहुत सारा टाइम जाएगा, डाउट क्लियर कर दो। अब मैंने वीडियो बनाए इसीलिए ताकि मुझे एक ही क्या होता है, एक ही क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आते हैं, तो डायरेक्टली वो वीडियो के थ्रू डाउट क्लियर हो जाता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग वहीं पर देख लीजिए। अब आप स्पेसिफिकली एक एक स्टूडेंट को अगर आप मुझे ऐसे बोलेंगे कि नहीं सर मेरा मतलब डाउट वहाँ सॉल्व है वीडियो में, उसके बाद में भी क्लियर करो, तो ये क्या मेरे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। जिसे भी जो भी डाउट आ रहा है अगर वीडियो में कवर्ड है मैं वीडियो दूंगा, थोड़ा सा आप लोगों का टाइम जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ जो डाउट हमारे वीडियोस में कवर्ड नहीं है वो डेफिनेटली मैं एंटरटेन करूंगा, मैं सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करूंगा, ठीक है। समझिए पूरे दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व है यूट्यूब पर उसके भी डाउट्स अगर मैं क्लियर करूंगा तो कैसे होगा, है ना। चलिए तो वापस से आगे बढ़ते हैं। सर इस लाइक वाईफाई कहीं से भी अच्छा, अभी यहां तक कि किसी को कोई डाउट है क्या, मेरे को ये बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 तक किसी को कोई डाउट रह गया है क्या, समझ गया क्या सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 तक के हम लोगों ने जो कंसेप्ट के बारे में बात की है। चलो मूविंग एट क्वेश्चन नंबर थ्री। कस्टमर एंटर्स इन अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, अ शिप ओनर, फॉर यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड शिप, ठीक है, स्पेसिफिक शिप है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। कस्टमर डिसाइड करता है वेदर वॉट कार्गो विल बी ट्रांसपोर्टेड, वेन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड, सब कुछ कस्टमर डिसाइड करता है, कब भेजना है, कहाँ भेजना है, क्यों भेजना है। सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस, हाँ रेस्ट्रिक्शंस है उसके अंदर में। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है सेलिंग द शिप इन टू वाटर्स एट हाई रिस्क, जहाँ पे हाई रिस्क होता है, जैसे जब हाई टाइड आती है तो उस दौरान वाटर के अंदर में बहुत ज़्यादा मतलब वो तूफान के जैसी हालत रहती है, तो बोलता होगा कि उन एरियाज में मत लेके जाना। अब जैसे बरमूडा ट्राइंगल है वहाँ नहीं लेके जाना, ठीक है, एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं लेके जाना। तो ये सारी की सारी बातें उसने क्लैरिफाई किया। अब
सप्लायर आपको, यानी लेसर आपको रोक भी रहा है, लेसर आपको कुछ चीजें नहीं करने दे रहा, पूरे तरीके से एसेट आपके कंट्रोल में नहीं है। सोच समझ के बोलो लीज है या नहीं, सोच समझ के बोलो लीज है या नहीं, बताइए। सर जो प्लेलिस्ट की वीडियो है वो लाइव वाली से एडिटेड है? नहीं विशाल जी, एडिटेड नहीं है, सेम है। नहीं विशाल जी, अपनी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, वो प्लेलिस्ट पूरी, बस मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। मैं हर रोज क्लास एंड होने के बाद प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ वीडियो, एक टेलीग्राम में डाल देता हूँ इमीडिएटली और एक प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। तो ये अपन रोज करते हैं, ठीक है, ये मेरे लिए रोज की एक्टिविटी है। तो आपको सारे के सारे वीडियोज मिलेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं मिलेगा आपको। तो लीज है, वेरी गुड विशाल जी, मेरे को यही सुनना था। प्रोटेक्टिव राइट, एक बात ध्यान में रखिए, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव राइट है एंड में। अगर लेसर अपने आप को किसी चीज से आपको रोकता है कि भाई ये काम नहीं करना, जैसे आप में से कई लोग रेंटेड हाउस में रहते होंगे, तो आपको वहां पे किराएदार बोलता होगा ना, रात को पार्टी नहीं करना और ज्यादा दोस्तों को नहीं लेके आना, अल्कोहल वगैरह नहीं यूज करना, ये सब रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, तो प्रोटेक्टिव राइट्स लगा रहा है, समझ में आ रहा है आपको, उसको प्रोटेक्टिव राइट्स बोलते हैं। तो उसके कारण ये लीज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यहां आइडेंटिफाइड शिप तो लिखा है, पर सामने वाले के पास सब्स्टिट्यूशन राइट्स है। अगर ये शिप खराब होती है तो, ध्यान रखिए क्या लिखा मैंने सब्स्टिट्यूशन राइट में, सब्स्टिट्यूशन राइट है अगर ये शिप खराब होती है तो, ये शिप खराब हुई तो हम सब्स्टिट्यूट करके आपको दूसरी शिप दे देंगे। सोच समझ के बोलना लीज है या नहीं, सब्स्टिट्यूशन राइट है अगर ये शिप खराब होती है तो, बोलो। बोलो बोलो क्या लगता है, स्टिल अलीज, क्या बात है क्या बात है। सब्स्टिट्यूशन अगर डैमेज पे है तो वो तो लॉजिकल सब्स्टिट्यूशन राइट्स होता है कि भाई चीज खराब हो गई तब तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ही ना, तो इसीलिए इसे अभी भी लीज ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू कंडीशनल सब्स्टिट्यूशन है, सब्जेक्ट टू डैमेज कंडीशनल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, इट इज स्टिल अलीज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक और पॉइंट इसमें चेंज करना चाहूंगा, कस्टमर की जगह सप्लायर डिसाइड्स, सप्लायर डिसाइड्स कार्गो कब जाएगा, कहां जाएगा, कैसे जाएगा, सप्लायर डिसाइड कर रहा है, कस्टमर डिसाइड नहीं कर रहा, सप्लायर डिसाइड कर रहा है। अब बताओ लीज है या नहीं, अब बताओ लीज है या नहीं है। अगर मैं वहां कस्टमर की जगह सप्लायर कर दूं तो क्या होगा, लीज होगा या नहीं होगा, क्या बात है मयंक जी, जबरदस्त जबरदस्त, यस, वारंटी रिलेटेड सब्स्टिट्यूशंस भी लीज का ही पार्ट होते हैं, वेरी गुड मयंक जी, बहुत बढ़िया। आप, मैं जब किसी लाइन को स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए हाईलाइट करता हूँ ना किसी स्टूडेंट के, तो समझिए कि वो एग्जाम में लिखने के में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, वैसा होता है वो, ठीक है। नॉट अ लीज, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड, नाउ इट इज नॉट अ लीज, नाउ इट इज नॉट अ लीज। चलिए कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। लेसी एंटर्स इनटू अ 10-ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद लेसर टू यूज एन इक्विपमेंट, यूज एन इक्विपमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स मेंटेनेंस सर्विस, मेंटेनेंस का भी सर्विस है इसमें। लेसर ऑब्टेन्स इट्स ओन इंश्योरेंस फॉर द इक्विपमेंट, लेसर ने इंश्योरेंस लेके रखा है, और एनुअल पेमेंट है 10,000 जिसमें 1,000 मेंटेनेंस का और 500 इंश्योरेंस कॉस्ट का है, ठीक है। लेसी इज एबल टू ऑब्टेन एंड मेंटेन इंश्योरेंस सिमिलर, अगर सिमिलर इंश्योरेंस अगर लेने गए, लेसी अगर लेने जाता तो उसे 2,000 रुपए का मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ता था बाहर से, जो लेसर ने उसको 1,000 रुपए में दिया है, और इंश्योरेंस उसको भी 500 रुपए का ही पड़ता था, ठीक है। लेसी इज अनेबल टू फाइंड ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन रेंटल प्राइस, रेंटल का आप स्टैंड अलोन प्राइस बता नहीं पा रहे हैं, बिकॉज नन इज लीज विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट मेंटेनेंस बाहर लीज होते ही नहीं है, लीज एग्रीमेंट्स होते ही नहीं है, इसलिए कोई विदाउट मेंटेनेंस लीज का प्राइस नहीं बता सकता। तो इसमें लीज कंपोनेंट कितना है, पहली बात मैं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज करना चाहता हूँ, आई होप आप में से कुछ लोगों को पता हो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, जिनको नहीं पता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने कितना लीज रेंट कंसिडर करना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करते समय फॉर राइट टू यूज एसेट, राइट टू यूज एसेट डिटरमाइन करने के लिए कितने लीज रेंटल अमाउंट का मैं डिस्काउंट करूंगा, कितने लीज रेंट अमाउंट को मैं डिस्काउंट करूंगा, चलिए बताइए बताइए। जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं पता है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, पर जिन लोगों को पता है मुझे बताइए, अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज कर रहा हूं तो मैंने कितने अमाउंट को डिस्काउंट करना चाहिए, कौन से अमाउंट को डिस्काउंट करना चाहिए ताकि मैं राइट टू यूज एसेट को डिटरमाइन करूं। 11,000, मनमोहन जी का कहना है 11,000,
11,000? 9,000? 11,000 कहाँ से आया? आपने 10,000 में अलग से 1,000 रुपये ऐड किया, 11,000, ठीक है, 9,000 रुपये, 1,000 रुपये माइनस किए विशाल जी ने। चलो ठीक है, आप में से जिसने भी आंसर दिया ना, गलत आंसर है, समझिए इसको। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट मतलब ये होता है कि यार अब जो मेंटेनेंस है वो इतना मिनिमल है, मतलब मेंटेनेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीज, मेंटेनेंस इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। अब और इंश्योरेंस एडमिन नेचर का होता है, तो इंश्योरेंस को कभी अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, इंश्योरेंस इज नेवर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मेंटेनेंस इतना मिनिमल है 1,000 रुपये, यार उसको अलग से IND AS 115 लगाऊंगा क्या सेंस बनता है? तो इसीलिए मैं पूरे के पूरे अमाउंट को राइट टू यूज एसेट में ले लेता हूँ, ये है प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट बोलता है मेंटेनेंस इज इमटेरियल, यानी कॉन्ट्रैक्ट को स्प्लिट करने का कोई सेंस नहीं बनता, या उसका इंपैक्ट बहुत ही इमटेरियल रहेगा। तो 10,000 के कंपैरिजन में 1,000 इज ओनली 10%। तो बोलता है यार अगर इमटेरियल है तो आप एक काम करो, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज कर लो, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लीज कॉन्ट्रैक्ट मान लो, नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट करने की जरूरत नहीं। इंश्योरेंस तो नॉन लीज है ही नहीं, इंश्योरेंस तो एडमिन नेचर का खर्चा है, कि हाँ भाई एसेट लिया है तो इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा, वो एडमिन नेचर का है, ठीक है। तो इंश्योरेंस की बात तो भूल जाओ, इंश्योरेंस को टोटली भूल जाओ। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम सेपरेट नहीं करेंगे, नॉन लीज कंपोनेंट को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मटेरियल अमाउंट है, दैट द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अवेलेबल। क्या सब लोगों को समझ गया? सब लोगों को समझ गया? चलिए, किरण जी, अरुणा जी, मयूर जी, विशाल जी, और ऊपर जिस जिसने बोला था, क्लियर है सब लोगों को? 10,000 लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ गए प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट क्या होता है, तो अब मैं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं यूज कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं। तो चलो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं यूज करेंगे तो क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्या अब लीज कंपोनेंट के लिए कितना अमाउंट लेना चाहिए? 10,000, 11,000, 9,000, 8,000, जो भी आप लोगों ने अमाउंट बताया, मैं एक 8,500 भी बता देता हूँ आप लोगों को, 7,500 भी बता देता हूँ आप लोगों को। व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए हम लोगों ने? मैं जी, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट तो तब अप्लाई होता है ना जब लीज पेमेंट में कुछ चेंजेस हो, नहीं, जब लीज पेमेंट में नॉन लीज कंपोनेंट हो मैं जी, तब प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज होता है। आप स्टार्टिंग के दो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट की बात कर रहे हैं शायद, लो वैल्यू लीज एसेट या 12 महीने के अंदर वाले लीजेस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, लो वो एग्जेम्पशन है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट मतलब अगर नॉन लीज कंपोनेंट इज इमटेरियल तो पूरे को लीज कंपोनेंट मान लो। ओके, अब अपने पास दो तरह के आंसर आ रहे हैं, 9,000 और 8,000, ठीक है। चलिए हम 8,000 लेंगे, जिसने भी 9,000 बोला है हम 8,000 लेंगे। क्यों? सोच के देखो, आप तो सेटिंग कर लोगे, आपको भी पता है कि मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट 2,000 रुपये में होता है, ये आपको पता है कि 2,000 रुपये में मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर आप बोलते हो कि यार अभी मेंटेनेंस को अलग करेंगे तो मेंटेनेंस का इनकम दिखेगा हर साल 2,000 रुपये का, इनकम कम करने का बेस्ट तरीका है इसको राइट टू यूज एसेट में डाल दो। तो आपने क्या किया, मेंटेनेंस के अमाउंट को कम कर दिया और रेंटल को अकॉर्डिंगली बढ़ा दिया, रेंटल कर दिया 9,000 और 1,000 रुपये कर दिया उसके अंदर मेंटेनेंस। तो ऐसे तो आप विंडो ड्रेसिंग कर जाओगे, और हमको विंडो ड्रेसिंग अलाउ नहीं करना है। तो क्या करेंगे ऐसे में, ऐसे में बचा हुआ रेसिडुअल अप्रोच यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, 8,000 को रेंटल मान रहे हैं और 2,000 रुपये को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये नहीं, ठीक है। हाउएवर, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऑल्टर कर देता कि नॉन मेंटेनेंस वाला जो लीज है ना, नॉन मेंटेनेंस वाला लीज वो 9,000 रुपये में हो सकता है, नॉन मेंटेनेंस वाला लीज 9,000 रुपये में हो सकता है, तब आंसर क्या होता बताओ? यानी फेयर वैल्यू ऑफ नॉन मेंटेनेंस लीज, यानी बिना मेंटेनेंस के अगर कोई लीज लेता है तो 9,000 रुपये में मिल जाता है, हमने 10,000 में दिया, सिर्फ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 2,000 में भी अवेलेबल है, नॉन मेंटेनेंस वाला लीज 9,000 में अवेलेबल है, तो व्हाट डू यू थिंक, तब हमने राइट टू यूज एसेट कैसे डिटरमाइन करना चाहिए था? आई होप सबको क्लियर है, 8,000 आंसर था पिछले वाले का, मैंने क्वेश्चन ऑल्टर किया है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहला प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट था, दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 4 का था, तीसरा मैंने क्वेश्चन फिर ऑल्टर किया है, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन लीज ऑफ नॉन मेंटेनेंस लीज कंपोनेंट इज 9,000, तब क्या होता, तब क्या होता, सोच समझ के आंसर करना। हिंट देता हूं, इंड एस 115 में जो करते थे वो यहां करना है, ठीक है, ये हिंट है। देखिए कभी भी एक बात ध्यान रखिए, दो अलग अलग स्टैंडर्ड, दो अलग अलग बातें कभी नहीं करेंगे, हर स्टैंडर्ड एक तरह के कंसेप्ट की बात करेगा। अगर इंड एस 1 किसी कंसेप्ट की बात कर रहा है और वही कंसेप्ट इंड एस 16 में भी है, तो ऑब्वियसली बात है इंड एस 1 और इंड एस 16 में कहानी सेम बोली जाएगी। ऐसी एक कहानी आप लोगों ने इंड एस 115 में पढ़ी है, यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक की फेयर वैल्यू 9,000 है, एक की फेयर वैल्यू 2,000 है, तो दोनों मिला के 11,000 हो रहे हैं, ठीक है। हाउएवर हमने कॉन्ट्रैक्ट 10,000 में किया है,
प्रपोर्शनेटली बांटी है, याद आया, प्रपोर्शनेटली बांटी है, ऐसा होगा। नहीं, 9090 भी गलत हो जाएगा ना ऐसे में तो। 9090 होगा क्या? चलो देखते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 11,000 इंटू 9,000, 8182 हो रहा है, 8182। ठीक है, ऐसा बनेगा, प्रपोर्शनेट बटेगा। अभी सबको क्लियर है? अभी सबको समझ में आया? बोलिए। आई थिंक मेघा जी आपने 9,500 से किया शायद। नहीं, हाँ ये आंसर होना चाहिए था। बस ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, इंड एस 115 भी तो यही बोलता है ना, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट दोनों में सेम रहना चाहिए। आप अलग अलग ट्रीटमेंट दो अलग अलग स्टैंडर्ड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसा बताया गया है। चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में तो अभी पूछ लेना। ये नहीं दिया है तो मैं रेसिडुअल अप्रोच यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, लेसी एंटर्स इनटू नॉन कैंसिलेबल लीज विद अ लेसर फॉर अ बिल्डिंग। गौरी जी अगर 116 वीक है, 116 में कुछ है ही नहीं। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, क्या बोला, क्या 116 ने नया क्या बोला आप लोगों को? आपको रेंटल दिए हुए हैं 10 साल के, डिस्काउंट कर लो, राइट टू यूज एसेट दिखा दो, उतने का ही लीज लाइबिलिटी दिखा दो। क्या नया क्या पढ़ाया है इंड एस 116 ने? आप लोग जब खुद को बोलते हो कि आप किसी चीज में वीक हो, आप लोग वीक हो नहीं। बस पहली बार जब आपने पढ़ा था तो शायद वो कंसेप्ट नहीं समझा, दूसरी बार पढ़ा तब शायद फिर से नहीं समझा होगा। अरे तो तीसरी बार पढ़ लो, चौथी बार पढ़ लो, पांचवी बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप लोग जो बात बोल रहे हैं ना कि आप किसी चीज में वीक है, आप में से कोई किसी चीज में वीक नहीं है। इंड एस 115, 116, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तीन चैप्टर थे जिसके लिए आप लोग मुझे हमेशा मैसेज करते रहते हो, सर ये नहीं जमता, छोड़ सकते हैं क्या? क्यों छोड़ना है, दो बार और पढ़ लो ना, समझ जाएगा, कुछ नहीं तो रट जाएगा एंड में, ये तो होगा ही होगा। और नया क्या बोला इंड एस 32 ने? भी यही बोला है प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ये भी स्टैंडर्ड यही बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो। सारे चैप्टर एक ही तो बात करते हैं, कोई चैप्टर कुछ नया तो बोले, कोई चैप्टर कुछ नई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना? तो कुछ वीक नहीं है। चलो लीज 5 साल का है, यहाँ पे लीज 5 साल का है, बिल्डिंग लीज पे दी है, लीज 5 साल का है, और लेसी के पास ऑप्शन है कि वो एक्सटेंड कर सकता है लीज को और 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए वो एक्सटेंड कर सकता है। तो लीज टर्म कंसिडर करते समय वो बोलता है कि मार्केट रेंट फॉर कंपेरेबल बिल्डिंग आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ओवर 10 ईयर पीरियड। ये 10 साल में ये रेंटल 10 साल से 10% से बढ़ जाएगा। एट इंसेप्शन ऑफ लीज, लीज रेंटल इज इन अकॉर्डेंस विद करंट मार्केट रेंट। ठीक है, तो अपना अभी फिलहाल तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ही है, इंसेप्शन यानी शुरुआत पे लीज के, पर 10 साल में ये 10-10% से बढ़ जाएगा। लेसी इंटेंड्स टू स्टे इन बिजनेस फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स, आप एटलीस्ट 20 साल इस बिजनेस के अंदर रहोगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग इज आइडियल फॉर रिलेशनशिप विथ सप्लायर एंड कस्टमर, और ये बिल्डिंग एकदम प्राइम लोकेशन में भी है आपके लिए। तो बताओ लीज का एग्रीमेंट, अभी जब राइट टू यूज एसेट हम लोगों को कंसिडर करना है, तो यहाँ पे 5 साल कंसिडर करना चाहिए या 10 साल कंसिडर करना चाहिए? 5 साल या 10 साल, बताइए। नहीं शिखर जी इस वीडियो में कवर नहीं होगा कोविड अमेंडमेंट, उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आईसीआई न्यूली एडेड क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट है, आईसीआई न्यूली एडेड क्वेश्चन प्लेलिस्ट, उसमें सबसे लास्ट वीडियो इंड एस 116 अमेंडमेंट करके, वहां देख लीजिएगा। चलिए बताइए 5 साल कंसिडर करना चाहिए कि 10 साल कंसिडर करना चाहिए? आकांक्षा जी का कहना है सर 5 साल कंसिडर, 10 साल कंसिडर करना चाहिए, 10 साल कंसिडर करना चाहिए, 10 साल, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों का कहना है 10 साल। अरुणा जी, अरुणा जी 20 साल का तो रेंटल एग्रीमेंट ही नहीं है, 20 साल क्यों, 10 साल, 10 साल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं, एंड ऑप्शन टू एक्सटेंड बाय फर्दर 5 ईयर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट यानी लेसर लेसी बैठेंगे, लेसी बोलेगा चलो एक्सटेंड कर देते हैं, लेसर बोलता है हाँ कर देते हैं। अब 5 साल कंसिडर करना है कि 10 साल? पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि ऐसे रिन्यूअल्स पहले भी कई बार हुए, पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि ऐसे रिन्यूअल इसी लेसर के साथ कई बार हुए हमारे, लेसर एक्सटेंड भी कर देता है, लेसर एक्सटेंड भी कर देता है, ठीक है, बाय म्यूचुअल कंसेंट वर्ड यूज हुआ। अब मुझे बताओ 5 साल कंसिडर करना चाहिए कि 10 साल? हाँ आकांक्षा जी करेक्ट। शीतल, शीतल जी 15 साल कहां से है? पांच, दस, दस, ओके। मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली वर्ड म्यूचुअल कंसेंट यूज किया, ITFG गाइडलाइंस के ऊपर अपन लोगों ने वीडियोस बनाए थे, और इसके ऊपर शायद एक आध बार क्वेश्चन भी आया था कोई, तो ITFG गाइडलाइन का, 116 का नहीं आया था, पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वर्ड्स म्यूचुअल कंसेंट। ITFG ने जो लास्ट आंसर किया था ना 116 का, एक दिया था उन लोगों ने नोट्स, उसमें उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट वर्ड यूज किया है।
उन्होंने बोला 116 में ये लिखा है कि लेसी के पास ऑप्शन होगा एक्सटेंड करने के लिए, तो आप कंसिडर करोगे वो लीज टर्म, नहीं तो नहीं करना है। कब करना है? जब लेसी के पास ऑप्शन है, यानी लेसी बोलता है मेरे को करना है, और लेसर उसमें कुछ बोल ही नहीं सकता। लेसर बोलता है हाँ ठीक है, लेसर के ऊपर हमेशा ऑब्लिगेशन है, ऑप्शन किसके पास है? लेसी के पास। लेसी बोलता है मेरे को एक्सटेंड करना है, तो करना ही पड़ेगा, लेसर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। पर जब म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है तो लेसर की हामी भी जरूरी होती है। तो जहां म्यूचुअल कंसेंट वर्ड यूज हुआ ना, आप ये 5 साल का टर्म कंसिडर नहीं कर सकते। आप सिर्फ पहले 5 साल कंसिडर करोगे, पूरे 10 साल नहीं कंसिडर कर सकते। जहां लेसी के पास ऑप्शन है वहां 10 साल, जहां म्यूचुअल कंसेंट है वहां पे 5 साल, जहां लेसर के पास ऑप्शन है वहां पे 5 साल। सिर्फ लेसी के पास ऑप्शन है वहां 10 साल, बाकी हर केस में 5 साल ही रहेगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि दोनों का कंसेंट लगेगा। सही बोल रहे हैं शिखर जी, ठीक है। जिसने भी 10 लिखा था सब लोगों को क्लियर है? 10 नहीं चलेगा, 10 नहीं चलेगा। प्रायर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता सुनील जी। स्टैंडर्ड के वर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी लिखा है क्या? स्टैंडर्ड में प्रायर एक्सपीरियंस लिखा है क्या? स्टैंडर्ड में लिखा है लेसी के पास ऑप्शन है क्या, तो आप कंसिडर करो, नहीं तो मत करो। यहां लेसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, यहां म्यूचुअल कंसेंट है, तो प्रायर एक्सपीरियंस मैटर ही नहीं करता, ठीक है? क्या हो गया मयंक जी, इतनी सी बात पे भगवान को याद कर लिया आपने? इन केस प्रीवियस ईयर वाला सेंटेंस नहीं दिया होगा 5 years ahead, अरे प्रीवियस ईयर वाला सेंटेंस नहीं भी दिया होगा तो भी आकांक्षा जी 5 years ही आंसर। पास्ट एक्सपीरियंस की लाइन नहीं दी है तो भी 5 years, पास्ट एक्सपीरियंस की लाइन दी है तो भी 5 years, यही तो समझा रहा हूं। बात म्यूचुअल कंसेंट की है, म्यूचुअल कंसेंट है इसीलिए 5 years, म्यूचुअल कंसेंट है इसलिए 5 years। लेसी का ऑप्शन होता तो 10 years, लेसर के पास ऑप्शन होता तो भी 5 years, ऐसा याद रखने का है, ठीक है? चलो चलो, क्वेश्चन नंबर सिक्स। लेसी एंटर्स इनटू अ लीज विथ 5 year old मशीन, ठीक है? गुड इवनिंग वेंकटेश जी। नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म है 15 साल का, 15 साल, ठीक है? लेसी के पास ऑप्शन है टू एक्सटेंड द लीज आफ्टर 15 years फॉर अनदर 12 months, और 12 महीने के लिए वो एक्सटेंड कर सकता है 12 months। मशीन इज टू बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फॉर द टाइप ऑफ प्लेन दैट लेसी एक्सपेक्ट्स टू रिमेन पॉपुलर। आप एक्सपेक्ट करोगे बहुत पॉपुलर रहेगा ये प्लेन, आप एक प्लेन के पार्ट्स बना रहे हैं जो बहुत ही पॉपुलर रहेगा, ठीक है? 15 साल की लाइफ के लिए। कॉस्ट टू इंस्टॉल द मशीन इन लेसीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सिग्निफिकेंट। ये जो मशीन आपने लीज पे ली है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स यूज मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स लेसी एक्सपेक्ट्स टू बी पॉपुलर। क्या हुआ क्या यहाँ पे? 5 year क्या लिया था? मशीन आपने जो ली है इसको इंस्टॉल करने का कॉस्ट सिग्निफिकेंट है। मतलब अगर ये मशीन देके कोई और मशीन लेते हैं अपन, तो रिप्लेस करके नई मशीन को इंस्टॉल करने का कॉस्ट बहुत ह्यूज रहेगा, ठीक है? नॉन कैंसिलेबल टर्म ऑफ फैसिलिटीज 19 years। जहाँ ये मशीन हमने ली है, लगा के रखी है यहाँ पे मशीन, वो जगह हमने 19 साल के लिए लेके रखी है, 19 साल के लिए। और ये रिन्यू हो सकता है और 12 साल के लिए, और 12 साल के लिए रिन्यू हो सकता है। लेसी डज नॉट एक्सपेक्ट टू बी एबल टू यूज द मशीन प्रोसेस फॉर अदर टाइप्स ऑफ प्लेन्स। ये मशीन किसी और प्लेन को बनाने के लिए यूज हो ही नहीं सकता, ये मशीन किसी और प्लेन को बनाने के लिए यूज हो ही नहीं सकता। और मशीन की लाइफ है 30 साल, मशीन की लाइफ है 30 साल। बताइए 15 साल कंसिडर करना चाहिए या 16 साल? 12 months का एक्सटेंशन अवेलेबल है, 15 या 15 plus 1 16, ठीक है? पहली लाइन ने क्या बोला आपको? पहली वाली लाइन ने बोला कि हम इससे जो प्लेन बना रहे हैं वो आने वाले 15 साल पॉपुलर रहेगा। दूसरा बोल रहा है कि ये मशीन को इंस्टॉल करने का कॉस्ट सिग्निफिकेंट है। तीसरा बोलता है जहां ये मशीन इंस्टॉल की है वो जगह 19 साल के लिए इस पे ले और 12 साल और कंटिन्यू हो सकती है। और आखिरी पॉइंट बोलता है कि ये मशीन किसी और प्लेन को बनाने के लिए काम का नहीं है। आखिरी पॉइंट बोलता है कि मशीन 30 साल के लिए इस पे है। बताइए क्या लगता है? विशाल जी का कहना है सर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में कि ओवर 10% ईच ईयर इंक्रीज माने इन टोटैलिटी माने। ये कन्फ्यूजन तो इंस्टीट्यूट को भी हमेशा ही रहता है विशाल जी, पर अगर आप देखेंगे शायद 2 अटेम्प्ट पहले की बात है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही ये क्वेश्चन पूछा था ओल्ड सिलेबस में, और इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर दे दिए थे। अगर आप उसको पर एनम मानते हैं तो क्या होगा, और ओवर द पीरियड 10% मानते हैं तो क्या होगा। तो इसका मतलब आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि आप उस 10% को क्या मान रहे हैं, ठीक है? वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने 16 लिखा और कुछ लोगों ने लिखा है 15। अरे बाबा 15, सब लोगों ने क्या किया? सब लोगों ने बस ये एक लाइन यूज कर लिया। अरे हर लाइन का अपना महत्व है, अगर एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा तो बाकी सब लोग वहां पे क्रिकेट खेलने थोड़ी आए हैं, समझ रहे हैं आप लोग? मतलब क्रिकेट खेलने आने, वो साइड में बॉल पकड़ने के लिए थोड़ी आए हैं, क्या फील्डिंग करने के लिए। पहली वाली लाइन बोल रहा है ये प्लेन 15 ही साल पॉपुलर रहेगा, तो 1 साल और एक्सटेंड करके क्या करोगे?
पहली लाइन क्या बोल रहा है, 15 साल ही पॉपुलर रहेगा ये प्लेन, तो एक और साल एक्सटेंड करके क्या करोगे आप लीज एग्रीमेंट को। ये चौथा, ये वाला जो पॉइंट था अपना, चौथा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अपने को बोलता है ये प्लेन किसी और, मतलब ये मशीन किसी और प्लेन को बनाने के काम की नहीं है, और किसी के काम की नहीं है, तो क्या करोगे आप समझ रहे हैं। बाकी के पॉइंट्स भी तो पढ़िए ना, तो सिर्फ एक कि हाँ जहाँ पे ये जमीन है वहाँ पे अभी 19 साल है, मशीन की लाइफ 30 साल है, ऐसा नहीं चलता। वो अपन यूज ही नहीं करेंगे 15 साल के ऊपर, है ना, समझ में आया। कॉस्ट सब्सटेंशियल है तो क्या हुआ, अपन करेंगे क्या इंस्टॉल करके वापस, मतलब जब वो प्लेन ही 15 साल बाद बनाना नहीं है तो करना क्या है उस मशीन को और 1 साल रख के। ठीक है, तो 16 साल काम का नहीं है, 15 साल काम का है। कॉस्ट इज सब्सटेंशियल वाला उसके फेवर में था, 1 पॉइंट फेवर में था, 2 पॉइंट फेवर में थे, तो आपने 2 पॉइंट के बेसिस पे 16 साल बोल दिया, पर ये फेवर में नहीं है, ये फेवर में था, ये फेवर में नहीं है, और वो जो 2 फेवर में नहीं है वो बड़े सिग्निफिकेंट है, जो 2 फेवर में नहीं है वो बड़े सिग्निफिकेंट है। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया, मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी लीजेज अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, द लीज पेमेंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स, आवर्स पे डिपेंड करता है, आवर्स के बेसिस पे है। लेसी को 2000 पर आवर पे करना पड़ेगा और मिनिमम पे करना पड़ेगा 2 करोड़, मिनिमम मिनिमम। एक्सपेक्टेड यूजेज है 20,000 घंटे। अब 20,000 घंटे से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 करोड़ हो रहा है, 20,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 2,000 करूँ तो 4 करोड़ हो रहा है। तो राइट टू यूज एसेट डिटरमाइन करते समय 2 करोड़ लें या 4 करोड़ लें, बताइए। डाउट सेशन कब है स्वाति जी? डे आफ्टर टुमारो, कल अपना जो टेस्ट पेपर है वो डिस्कस करेंगे, मैंने जो टेस्ट पेपर दिया था बोनस टेस्ट पेपर, और उसके नेक्स्ट डे डाउट सॉल्विंग सेशन ले लेंगे। ठीक है, अच्छा नहीं 19 नहीं, 20th को रहेगा डाउट सॉल्विंग सेशन। 19th को मेरा एक सेशन है कॉस्ट इंस्टीट्यूट में, ICMAI के अंदर में मेरा सेशन है, तो उस दिन हम लोगों का क्लास नहीं होगा, मैं 19th को क्लास नहीं रखूंगा, 20th को रहेगा सीधा हमारा क्लास, 16 17 18। सब्सटेंस फिक्स पेमेंट 2 करोड़, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। 2 करोड़ रुपए लेंगे, 4 करोड़ नहीं लेंगे, क्योंकि वेरिएबल रेंट कंसिडर नहीं करते हैं। वेरिएबल रेंट कब कंसिडर करते हैं? अगर वो इंडेक्स्ड है, इंडेक्स्ड है तो वेरिएबल रेंट कंसिडर करते हैं, अदरवाइज वेरिएबल रेंट कंसिडर नहीं करते हैं। वेरी गुड, चलिए बढ़िया है, सभी लोगों के आंसर्स एकदम करेक्ट चल रहे हैं। कैन यू सॉल्व क्वेश्चन 4 वन मोर? क्वेश्चन 4 में क्या गड़बड़ थी? हाँ, क्वेश्चन 4 के अंदर में हम लोगों ने देखा कि देखो यहां 2 चीजें हैं, एक रेंट आप ले रहे हो 10,000, इसमें इंक्लूडेड है मेंटेनेंस 1,000 और इंश्योरेंस 500। मैंने कहा कि इंश्योरेंस कभी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो आपको इंश्योरेंस पे दिमाग लगाना नहीं है, इंक्लूडेड है। ये जो मेंटेनेंस है इसकी फेयर वैल्यू है 2,000, इसकी फेयर वैल्यू 2,000 है। ठीक है, तो अब अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज कर रहे हैं तो आप पूरे 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे 10 ईयर्स, जो भी डिस्काउंट रेट दिया उसके बेसिस पे, टू डिटरमाइन राइट टू यूज एसेट। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज करते हैं कि भैया जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही इमटेरियल है, 1,000 रुपये तो क्या होता है, हार्डली कुछ होता है, तो 1,000 रुपये को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, वॉट इज इंडेक्स्ड? अच्छा विकास जी, इंडेक्स मतलब देखो, जैसे कि रेंट के अंदर में मैंने बोल के रखा है कि ये जो रेंट है ये इंक्रीज होगा बेस्ड ऑन जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स, या 10% से हर साल ये रेंट बढ़ जाएगा, इसको भी इंडेक्सेशन बोलते हैं, या जो लिबोर का रेट है उसके ऊपर इंडेक्स्ड है, इन सबको बोलते हैं इंडेक्सेशन। अगर इंडेक्सेशन है तो वेरिएबल रेंट कंसिडर करते हैं, ये ध्यान में रखना है सबको। ठीक है, चलो अब अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं यूज कर रहा हूं तो मुझे रेंट की फेयर वैल्यू नहीं पता, रेंट विदाउट मेंटेनेंस की फेयर वैल्यू नहीं पता, और आपने लिखा 1,000 रुपये मेंटेनेंस है, आप बोल रहे हो इसीलिए थोड़ी मान जाऊंगा मैं, आप तो कुछ भी बोल सकते हो। फेयर वैल्यू ऐसे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की 2,000 है ना, फेयर वैल्यू 2,000 है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 में से 2,000 मेंटेनेंस की वैल्यू मान लूंगा, जिसकी अकाउंटिंग में इंड एस 115 के हिसाब से करूंगा, और 8,000 रुपये की अकाउंटिंग हम इंड एस 116 के हिसाब से करेंगे। ये मैंने लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2,000 की अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होगी, मेंटेनेंस को एक्सपेंस माना जाएगा, मेंटेनेंस को एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? पर अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो नॉन मेंटेनेंस रेंटल एग्रीमेंट है वो मार्केट में 9,000 रुपये पे होता है, मेंटेनेंस 2,000 में होता है, नॉन मेंटेनेंस रेंटल एग्रीमेंट 9,000 पे होता है, तो आप 10,000 ले रहे हैं मतलब आपने 1,000 का डिस्काउंट दिया है, आप 11,000 के काम के 10,000 ले रहे हैं मतलब आपने 1,000 का डिस्काउंट दिया। आपने डिस्काउंट किस पे दिया, मेंटेनेंस पे दिया कि रेंटल एग्रीमेंट पे दिया? आप में से कई लोग बोलेंगे मेंटेनेंस पे दिया, मैं आपकी बात क्यों मानूं,
आपने दूसरों को भी ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या? मार्केट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यही रेट पे मिलता है क्या? मैं तो एक्सटर्नल एविडेंस देखूंगा, मैं ऑडिटर हूँ, मैं मैनेजमेंट की बात हमेशा नहीं मानता हूँ। मैनेजमेंट की बात जहाँ पे एक्सटर्नल एविडेंस नहीं अवेलेबल होता है वहाँ मैनेजमेंट की बात मानता हूँ, नहीं तो मैं मैनेजमेंट की बात नहीं मानता। तो इसलिए मैं देखूंगा, देखो मार्केट में तो 9,000-2,000 ही, यानी आपने प्रपोर्शनेट डिस्काउंट दिया होगा दोनों में, तो 9,000 और 2,000 दोनों के अंदर में प्रपोर्शनेटली बांटना पड़ेगा। तो रेंटल नॉन मेंटेनेंस 9,000, मेंटेनेंस 2,000, पर आप ले रहे हैं 10,000, इन दोनों का टोटल हो रहा है 11,000। तो एक काम कीजिए, 9:2 के रेशियो में 10,000 को बांट दीजिए। 8182 कुछ तो आया था, वो रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू लीज कंपोनेंट और मेंटेनेंस का बचा हुआ नॉन लीज कंपोनेंट। अभी क्लियर? चलिए, सो दिस वाज व्हाट इंडिया 116 वाज ऑल अबाउट। तो इसके साथ अपन ने आज सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कवर कर दिए। 15 तारीख मैंने आपको बोला था कि रफली मैं आप लोगों का कोर्स खत्म कर दूंगा, फिर भी ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख हो सकता है, मैंने ये बोला था। देखो 16 तारीख को मैंने खत्म कर दिया, तो अब अपने पास टोटल देखो 17-18 दो दिन है। मैं कल से मैंने जो पेपर लिया था उसको सॉल्व करना शुरू कराऊंगा। अब वो एक दिन में हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो दो दिन चलेगा, 17 और 18। डाउट सॉल्विंग 20 तारीख को परमानेंट कर देते हैं कि 20 तारीख को मैं डाउट सॉल्विंग ले लूंगा आप लोगों का। तो इसके साथ अपने सारे का सारा पूरा कोर्स खत्म हो गया। जिन लोगों ने आरटीपी एमटीपी वाला पार्ट नहीं देखा था, देख लेना, दो प्लेलिस्ट आपके काम की है, एक्चुअली तीन, एक आईसीआई न्यूली एडेड क्वेश्चंस, एक मई 2021 रिवीजन और एक आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चंस। ये तीन आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी क्लास आज करते हैं एंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है।